हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज आ गए एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने। आज का जो टॉपिक है, जो आज के टॉपिक में हम कवर करेंगे, वो एक कफ सिरप के ऊपर है। सो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए एंड लाइक करिए। सो आज का जो कफ सिरप है वो है टसपेन कफ सिरप। इसकी जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है ये डॉक्टर मॉर्फिन है, ठीक है। एंड प्राइस इसका लगभग 75 रुपीज़ है, एंड रेस्ट आपको जो भी डिस्काउंट इस पर मिलता है, ठीक है, आप डिस्काउंट ज़रूर दीजिएगा। और कोई भी मेडिसिन विदाउट प्रिस्क्रिप्शन आपको नहीं लेना है, आप इस बात का खास ख्याल रखेंगे। और यह आपको ईज़िली कोई भी मेडिकल स्टोर पर मिल जाएगी, बट आपको डॉक्टर्स के प्रिस्क्रिप्शन आपको ज़रूरी है। इसमें आप देख लेते हैं कि मेन कंपोजिशन क्या है। सो इसमें टेरब्यूटालिन सल्फेट इंडियन फार्माकोपिया के अनुसार इस यूज़ हुआ है 1.25 mg, ब्रोम हेक्सिन हाइड्रोक्लोराइड IP 4 mg यूज़ हुआ है इसमें, एंड गुआफेनिसिन IP इसमें 50 mg यूज़ हुआ है, एंड मेंथॉल इसमें 2.5 mg यूज़ हुआ है, और कुछ फ्लेवर सिरप बेस इसमें यूज़ हुआ है, ठीक है। एंड देन इसमें कुछ कलर यूज़ हुआ है, ठीक है। और इसका डोज आप देख सकते हैं एज़ प्रिस्क्राइब बाय द फिजिशियन यहाँ पे मेंशन है। तो सबसे पहले तो ये कफ सिरप है, यानी कफ में आपको इस्तेमाल होगा, काफ़ी जनरल सी बात है। लेकिन अब देख लेते हैं कि इसके अंदर जो कंपोजिशन है इसका क्या काम है। सो इसमें टेरब्यूटालिन और ब्रोमहेक्सिन है, ये दोनों का मैं आपको यूज़ बता देता हूँ। टेरब्यूटालिन एक ब्रोंकियो डायलेटर है, ठीक है, जो कि मसल्स को रिलैक्स करता है, ठीक है। और जब बंद जुखाम के टाइम पे आपके जो नाक वाक बंद हो जाते हैं, ठीक है, और सिकुड़ जाते हैं एकदम से, मतलब टाइट हो जाते हैं, एकदम मकड़ जाते हैं, ठीक है, या आपको पता होगा आपको सांस लेने में तकलीफ़ होती है, ठीक है, तो ये सब में आपको रिलैक्स करेगा टेरब्यूटालिन, ठीक है। इसको एयरवेज को मसल्स को रिलैक्स करता है, ठीक है, आपके नाक को खोलने में ताकि आप इजीली सांस ले पाएँ आपको हेल्प करता है। एंड इसमें ब्रोमहेक्सिन यूज़ हुआ है, ब्रोमहेक्सिन आपके जो बलगम है, ठीक है, आपका जो कफ है उसको वो थोड़ा सा पतला करता है, और आपको नाक के रास्ते या खांसी के रास्ते आपको उसको निकलने के लिए हेल्प करता है, ताकि आपका कफ बाहर आए एंड आपको जो आपका ब्रीदिंग प्रॉब्लम है वो थोड़ा आपको ईजी हो जाए, ठीक है। आपका जो चेस्ट में पेन भी होने लगता है सर्दी जुकाम खांसी टाइम पे, क्योंकि कफ जम जाता है, कफ बाहर नहीं आने लगता है, एकदम बंद नाक गले में एकदम खराश होने लगती है, तो ये सब चीज़ों में ये काफ़ी अच्छा वर्क करेगा ये दोनों। एंड इसके बाद इसमें जो लास्ट यूज़ हुआ है वो है गुआफेनिसिन। सो उसका भी यूज़ देख लेते हैं। एंड लास्ट में जो गुआफेनिसिन है उसका भी सेम ही यूज़ है, ये एक एक्सपेक्टोरेंट की तरह काम करता है, जो डिक्रीज़ करता है जो म्यूकस होता है आपका, जो बलगम होता है उसको पतला करता है, ताकि वो एयरवेज से बाहर आ सके, ठीक है। तो बेसिकली इस जो कफ सिरप में है आपका कफ सप्रेसेंट यूज़ हुआ है, ओके, ताकि आपका कफ सप्रेसेंट यानी आपका जो कफ है, कफ की एक्टिविटी में आपको रिड्यूस करके आपको जो कफ है वो बाहर निकाला जा सके, ठीक है। यानी जो ब्रेन में जो कफ सेंटर है जहाँ से वो सारी एक्टिविटी हो रही होंगी, कफ सप्रेसेंट उसको ब्लॉक कर देगा, उसकी एक्टिविटी को कम कर देगा, ठीक है, जिसके वजह से आपको कफ बाहर निकालने में काफ़ी ज़्यादा रिलीफ होगी, ठीक है। एंड देन फिर इसमें आपको म्यूकस को, आपके बलगम को पतला करके उसको बाहर निकालने में का भी इसमें रोल दिया हुआ है, ठीक है। आपको ड्राई कफ, सूखी खांसी, ठीक है, इसमें भी आपको काफ़ी ज़्यादा आपको हेल्प मिलेगा। आपको गले में खराश है, बंद नाक है, ठीक है, ये सारी चीज़ में आपको, आपका नाक बह रहा है, ठीक है, आपको कोई एलर्जी की सिम्टम्स हैं, ठीक है, इसमें भी आपको ये काफ़ी अच्छा वर्क करेगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इसमें ऐड हुई हुई हैं, तो इसका ये यूज़ भी है, आप इसका यूज़ भी समझ लीजिए। तो यूज़ इसका है आपको, ये खांसी में आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प होती है, यूज़ होता है, आप ड्राई कफ में इसको ले सकते हैं, ठीक है। आपका बंद नाक, गले का जो हले का खराश होगा, ठीक है, चेस्ट पेन होने लगता है कफ़ की वजह से, बाहर नहीं निकलता है,
नाक का आपकी जाम हो जाती है, ठीक है, कई बार आपको एलर्जी की सिम्टम हो जाती है, आँखों में पानी आती, बार बार छींक आती है, ये तो ये सारी चीज़ों में ये वर्क करता है, ठीक है। ऑब्वियसली इसको बेटर इसके इलाज के लिए जब डॉक्टर्स के पास जाते हैं तो इसके साथ और भी मेडिसिन देते हैं, ठीक है। तो ये आप यूज़ कर सकते हैं इसका बेनिफिट्स में। अब इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं, तो देखिए कोई भी मेडिसिन के साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं, पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, ठीक है। आपको वो कभी हो सकता है कि आपको इसको लेने की वजह से स्टमक में पेन हो, या आपके वोमिटिंग होने लगे, हेडेक होने लगे, ठीक है, कुछ इचीनेस की प्रॉब्लम आ जाए, तो ये सारी चीज़ें अगर आपको होती है तो आप डॉक्टर्स को ज़रूर बताएं। और अगर आप कोई पहले से मेडिसिन ले रहे हैं किसी अन्य बीमारी के लिए तो उसके लिए भी डॉक्टर से ज़रूर बताया जाए। तो इसका यूज़ हो गया, और इसका आपको मैंने कैसे वर्क करता है इसके कंपोजिशन वो भी बता दिया, साइड इफ़ेक्ट भी बता दिया। अब मेरे पास आता है इसका डोज़ क्या है। तो डोज़ देखिए कोई भी मेडिसिन का तो डॉक्टर ही बताएंगे, ठीक है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू आपका बॉडी, आपका कंडीशन देख के बताते हैं। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, आप इसको 3 टाइम ले सकते हैं, ठीक है, खाने के बाद 1 से 2 चम्मच आप इसको आराम से ले सकते हैं, ठीक है, फॉर बेटर एक्शन के लिए। एंड इसको लेने के बाद आप, हो सकता है कि आपको थोड़ा नींद आए, ठीक है, सो आप पहले से प्रिकॉशन लेके रखिए, ज़्यादा काम वाम मत करिए, ठीक है। वैसे भी सर्दी खांसी जुकाम में ज़्यादा काम नहीं होता है, ठीक है। सो ये था यूज़ डिस्पेंस सिरप का। होप यू लाइक द वीडियोज़, एंड इफ़ यू लाइक द वीडियोज़ प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।